सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरी एक और नई वीडियो में। तो मेरे चैनल का नाम है पीसी गेमर एंड टेक। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप आपके ग्राफिक कार्ड के एफपीएस किस तरीके से बूस्ट कर सकते हैं। लाइक गाइस, AAA टाइटल आप 60 एफपीएस पर चला पाएंगे और ये जेन्युइन वीडियो है। चल झूठा। सो वीडियो में बने रहिए और लाइक कर दीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन कॉल पे कर दीजिए अगर आपको इस तरह की वीडियो पसंद है तो। और बिना देरी के करते हैं वीडियो को शुरू। नहीं तो गाइज, सबसे पहले आप आपका कोई भी ब्राउजर खोल लीजिए। मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ ब्रेव ब्राउजर। तो यहाँ पर मैंने ब्रेव ब्राउजर खोल लिया है गाइज। अच्छा, हमको सिखा रहा है। अब आप सीधा आ जाइए इस वेबसाइट पर गाइज। ये वेबसाइट का नाम है nvidia.com/download/index। इस वेबसाइट पर आने के बाद आप आपके ग्राफिक्स ड्राइवर को सर्च कर लीजिए और इंस्टॉल कर लीजिए लेटेस्ट ड्राइवर्स। तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ। ये मेरा कार्ड है GeForce GTX 1050 Ti। सर्च। तो यहाँ पर ये आ गया है मेरे कार्ड के लिए, बट मैं इसे इंस्टॉल नहीं करूँगा क्योंकि मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखे हैं गाइस। तो ये जब आप इंस्टॉल कर लें, इसके बाद आप इसका GeForce Experience नाम से एक सॉफ्टवेयर है, वो भी डाउनलोड कर लीजिए। तो चलिए गाइस, वो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है। तो चलिए अब चलते हैं सॉफ्टवेयर पर। सो गाइज, मैं आ चुका हूँ मेरे सॉफ्टवेयर पर। सॉफ्टवेयर पर आने के बाद आपको कुछ इस तरह का मिलेगा गाइज। तो यहाँ आप क्लिक कर लीजिए ड्राइवर्स पर। तो आप देख सकते हैं मेरा ड्राइवर्स अपग्रेडेड है फुल मैक्स। तो अब यहाँ पर आप सेटिंग्स पर क्लिक कीजिए गाइज। और अगर आपके पास GTX 930, GTX 710, GTX 1050 Ti, GTX 1030 इस तरह के कार्ड हैं तो ये ट्रिक आपके लिए वर्थ इट हो सकती है गाइस। तो यहाँ पर आप स्क्रॉल डाउन कीजिए, आपको ऑप्शन मिलेगा इमेज स्केलिंग का। तो ये एनवीडिया की पुरानी टेक्नोलॉजी है गाइस, बट ये काफ़ी वर्थ इट है। तो इसे सबसे पहले यहाँ पर हम कर लेते हैं ऑन। ऑन करने के बाद गाइस आप सिलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पर चले जाइए आप। उसके बाद थोड़ा सा वेट कीजिए। तो गाइस आप यहाँ देख सकते हैं लोड होने के बाद आपके सामने ऐसा आ जाएगा। तो आप शार्पनेस को 50 रहने दें और इस रिजोल्यूशन को आप सिलेक्ट कर लीजिए। दिस इज़ द बेस्ट रिजोल्यूशन फॉर लो एंड ग्राफिक कार्ड्स। ये आप सेट कर लीजिए। इसके बाद सेट करने के बाद अब मैं आपको दिखाऊंगा कि इसे गेम्स में किस तरीके से इनेबल कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप कोई भी गेम ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही लेफ्ट में आपको लिखा हुआ मिलेगा गाइस NIS। अगर ये लिखा हुआ मिलता है तो आपका फीचर इनेबल हो गया है, और नहीं तो आप इसे दोबारा से इनेबल कर लीजिए गाइस। तो इनेबल होने के बाद अब चलिए मैं आपको दिखाता हूँ गेम प्ले। समझ रहे हो ना। तो सबसे पहले मैं इसे बंद कर देता हूँ। पहले मैं इसे ऑफ करके गेम प्ले दिखाता हूँ गाइस, और फिर मैं दिखाऊंगा इसे ऑन करने के बाद गेम प्ले। तो गेम प्ले अब आपकी स्क्रीन पर ये रहा। A few minutes later. So guys, जैसा कि आप देख सकते हैं मैं आ गया हूँ मेरे गेम में। अब मैं आपको दिखाऊंगा इसका बेंचमार्क। सबसे पहले अभी मेरा इमेज स्केलिंग ऑफ है गाइस। तो सबसे पहले मैं ऑफ में आपको बेंचमार्क दिखा देता हूँ, उसके बाद हम करेंगे ऑन। सो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे गाइस, मेरे मिनिमम FPS आ रहे हैं गाइस 54, और मैक्सिमम जाता है 60, और एवरेज रहता है गाइस 58। इस स्क्रीन पर ये रहा गाइस। सो गाइस, अब मैं इसे कर लेता हूँ ऑन, और फिर मैं लेके चलता हूँ आपको मेरे गेम प्ले में कि इस टेक्नोलॉजी के बाद गेम में
FPS कितने बूस्ट हो जाते हैं गाइस। सो गाइस अब आप देख सकते हैं मेरी स्क्रीन पर इधर लेफ्ट में NIS लिखा हुआ आ रहा है गाइस। अब मैं आपको दिखाता हूँ NIS ऑन करने के बाद गेम प्ले इमेज स्केलिंग को जब आप ऑन कर देते हैं। सो गाइस अब आप मेरे FPS देख सकते हैं, मिनिमम जाता है 54, मैक्सिमम जाता है 60 और एवरेज जाता है 58। सो गाइस ये भी बेहतरीन है। अगर आप इस फीचर को ऑन कर लेते हैं ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को ऑल पे कीजिए। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून इन द नेक्स्ट वीडियो। गुड बाय गाइस।